आपके बॉस का असल डीएनए क्या है, क्या वो एक मैनेजर भर है या फिर एक लीडर है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आप अपने बॉस का असली डीएनए जानते हैं? क्या आपका बॉस महज एक मैनेजर भर है या फिर एक स्टील का बना लीडर है? आप हमेशा ये दुआ करते हैं कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करें, आपका बॉस एक गॉड की तरह हो, जो हर मुश्किल में आपका साथ दे, आपकी हर बात समझे और करियर में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए एक सीढ़ी का काम करे और आपके लिए एक जबरदस्त रोल मॉडल भी हो। पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि एक बॉस और लीडर में क्या फर्क होता है? जनाब, ये फर्क होता है कैरेक्टर का। जी हाँ, कैरेक्टर ही वही एक चीज होती है जो एक बॉस और लीडर में फर्क करती है। एक बॉस वो होता है जो मेटलिस्टिक चीजों के आगे अपने घुटने टेक देता है, चाहे उसे कुर्सी से चिपके रहने की चाह हो, गलत तरीके से आए पैसे की चाह हो, फेवरेटिज्म या फिर नेपोटिज्म का भी बढ़ावा देना हो। आपकी तरह मैंने भी अपने करियर में हर टाइप के बॉस देखे हैं जो किसी ना किसी कमजोरी का शिकार रहे, और ऐसे में उन्हें एक लीडर की उपाधि कभी भी नहीं दी जा सकती है। कुछ कमजोरियां तो ऐसी भी थी जिसका जिक्र पब्लिक डोमेन में नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले मेरे एक दोस्त जो IIM से MBA करके निकला और उसे एक टॉप कॉर्पोरेट में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिली, और उसने भी मुझे फोन करके यह बात बताई और मैं भी उसकी सक्सेस से बहुत खुश हुआ। पर कुछ दिन बाद ही उसका फोन आया कि वो अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान है, और उसकी वजह यह है कि वो लेडीज एम्प्लॉय पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहता था। वो लेडी एम्प्लॉय जब चाहे ऑफिस आए या जाए, रिजल्ट आए ना आए, उन्हें कुछ नहीं बोलता। मामला इतना खराब था कि वो खुद भी अपने पैसों से उनको शॉपिंग तक करवा देता था और अपने ही कार में ड्रॉप करता था, और मेल एम्प्लॉयज को तो कोलू का बैल समझता था, और 15 से 18 घंटे तक शिफ्ट करवाई जाती थी और साथ ही तमाम गालियां भी सुननी पड़ती थी। तो मैंने उसे यही सलाह दी कि वो फौरन ऐसी नौकरी को छोड़ दे और कहीं और जाके काम करे, वरना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। यही उस ऑर्गेनाइजेशन की बात, वो वैसे ही बंद हो जाएगी जहाँ एक रसीला बॉस बैठा हो, और आज वो ऑर्गेनाइजेशन बंद होने की कगार पर भी खड़ी है, क्योंकि उसका बॉस एक बॉस भर था और लीडर कभी नहीं बन सका। लीडर वो होता है जिसका कैरेक्टर जो सबके सामने खुले में हो, वही बंद कमरे में भी हो। जो बॉस खुले कमरे में कुछ और बंद कमरे में कुछ और होता है, वो कभी भी लीडर नहीं हो सकता है। वैसे एक बॉस और लीडर दोनों ही विजनरी होते हैं, लेकिन जहाँ एक बॉस अपने विजन के लिए अपने कैरेक्टर को छोड़ देता है, तो वही एक लीडर अपने विजन के लिए अपने कैरेक्टर का त्याग कभी नहीं करता। उसके लिए कैरेक्टर फर्स्ट होता है और विजन सेकेंडरी। इसके अलावा एक बॉस और लीडर में फर्क ये भी होता है कि जो बॉस होता है वो बैड लिसनर होता है। एक बॉस ऑर्डर ज्यादा देता है और दूसरों की बात कम सुनता है, वहीं एक लीडर एक गुड लिसनर होता है। जबकि एक लीडर पहले आपकी बात सुनता है और फिर फैसला करता है कि उसे क्या फैसला करना है। एक बॉस और लीडर में ये भी फर्क होता है कि अगर टीम हारी तो बात सुनता है, जबकि एक लीडर पहले आपकी बात सुनता है और फिर फैसला करता है कि उसे क्या फैसला करना है। एक बॉस और लीडर में ये भी फर्क होता है कि अगर टीम हारी तो उसका सारा ब्लेम अपनी टीम पर मर देता है, और अगर टीम जीती तो वाह वाही लूटने में सबसे आगे खड़ा हो जाता है। जबकि एक लीडर जीत का श्रेय अपनी टीम को देता है और हार का श्रेय खुद ले लेता है। एक बॉस अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने में लगा रहता है, वहीं एक लीडर अपनी गुडविल को बढ़ाने में ज्यादा भरोसा रखता है। जहां एक बॉस अपनी टीम से अच्छे नतीजे लाने के लिए हर तरह के दबाव बनाता है, तो वहीं एक लीडर अपनी टीम को अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए अच्छे से गाइड भी करता है। एक बॉस जहां प्रेशर में आकर गाली गलौज पर उतर आता है, चीखता चिल्लाता है, वहीं एक लीडर मुश्किल सिचुएशन में भी अपना आपा कभी नहीं खोता। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।